आम का अचार बनाने वाली सास बहू। संध्या रसोई में बैठी रोटी बना रही होती है, इतने में अनिल थका हारा घर आता है। अनिल बेटा आ गया तू, संध्या बहू अनिल के लिए पानी ले आ। लाई सासू माँ। संध्या जल्दी से पानी लाकर अनिल को देती है। ये लीजिए पानी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। माँ जी और बाऊजी कब से आपकी ही बात जो रहे थे कि आप आएंगे तब सभी साथ में खाना खाएंगे, अनिल ने उदास होकर कहा। संध्या मुझे भूख नहीं, तुम माँ पिताजी को खाना परोस दो। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं, दिन भर मेहनत करता है बेटा, आज फिर कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊँ माँ, सारा दिन भरी गर्मी में भूखे प्यासे भट्टी पर ईंट ढो ढो कर कंधे और हाथ छिल जाते हैं, और फिर शाम को जब दिहाड़ी देने की बारी आती है तो मक्खन लाल अपनी मक्कारता पर उतर आता है, कभी 50 तो कभी 20 रुपए देता है, और आज तो उसने एक पैसा नहीं दिया। हम गरीबों के हक के पैसे मारना इन अमीर लालची लोगों का पेशा बन गया है। अरे कंजूसी और घपलेबाजी करना तो उनके खून में है बेटा, तुझे याद नहीं मेरे साथ उसने क्या किया? मक्खन लाल स्वभाव से बेहद लालची था। कुछ समय पहले तक राम नारायण भी वही काम करते थे, मगर एक दिन राम नारायण का पैर फिसला और वह भट्टी की सुलगी हुई सिगड़ी में जा गिरे। नजारा बहुत ही भयानक था। राम नारायण की जान तो बच गई, मगर उनके शरीर का आधा हिस्सा आग में झुलस गया, और ऐसे में उनके जले हुए शरीर को देखकर जहां कहीं वह काम ढूंढने जाते लोग उन्हें घिन भरी नजरों से देखकर दुत्कार कर भगा देते। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी अनिल ने उठा ली। मैं खाना लगाती हूँ वरना रोटियाँ ठंडी हो जाएंगी। संध्या सभी को खाना परोसती है। सभी की थालियों में प्याज के कुछ टुकड़े और रोटी रखी थी, जिसे उनके घर में छाई गरीबी झलक रही थी। तभी बहू की नजर रसोई में रखी अचार की बरनी पर जाती है। सासू माँ ससुर जी जरा ठहरिए। बहू जल्दी से बरनी से एक एक आम का अचार सभी की थाली में दे देती है। संध्या ये आम का अचार कहाँ से आया? अजी वो कल मैं माँ से मिलने गई थी ना, उन्होंने आम का बहुत सारा अचार बनाया था, इसलिए एक बरनी अचार मुझे भी दे दिया। सभी ने आम का अचार के साथ अच्छे से खाना खाया और राम नारायण ने कहा, अरे संध्या बहू इन आम के अचारों का स्वाद तो बहुत ही अनोखा है, इससे तो इंसान बिना साग सब्जी के भी पेट भर कर रोटी खा ले। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन संध्या बाजार में सब्जी खरीदने जाती है, जहां एक अचार की ठेली पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर संध्या की आंखों के सामने गरीबी से उभरने की राह नजर आती है। आजकल बाजार में अचार की कितनी बिक्री है, अभी बाजार में कच्ची कैरी का भाव भी सस्ता है, क्यों ना मैं आम का अचार बनाकर बेचूं? ऐसा सोचकर बहू थोक दाम पर बहुत सारी कच्ची कैरी खरीद कर बाजार से सीधे बनिया के पास आकर अचार बनाने के सौंफ मेथी मसाले खरीद कर घर आती है। हे राम जी, अरे बहू ये तूने इतने सारे कच्चे आम क्यों लेकर आई है, जबकि मैंने तुझे सब्जी लाने को कहा था। इस पर बहू अपनी सास से आम का अचार बनाने का विचार साझा करती है। माँ जी मैं जानती हूँ कि एक गरीब किस तरह अपनी गृहस्थी के खर्चे चलाता है, और सारी जिंदगी वो खून पसीना बहाकर पाई पाई कमाता है, फिर भी जिंदगी भर अमीरों की गुलामी करके गरीब रह जाता है। बस इसलिए मैंने आज साग सब्जी ना खरीद कर उन्हें आम खरीदने में खर्च किया, ताकि हम अपनी किस्मत आजमाए माँ जी। इसके बाद दोनों सास बहू साथ में आम का अचार बनाने में जुट गईं, जहां बहू ने आमों को धोकर काट कर धूप में सुखाने को रख दिया, वहीं सरला ने भी अपने सभी मसालों को अच्छे से कूट कर तैयार कर दिया, और अचार बनाकर दोनों सास बहू उन्हें बाजार में बेचने पहुंच गईं। अचार ले लो अचार, कच्चे आम के अचार, ताजे खट्टे मीठे अचार। अचार बेचने की आवाज सुनकर चंदा और सांवरी नाम की दो सहेलियां उनके पास आकर कहती हैं, अरे ओ बेटी कैसे बेच रही हो ये आम का अचार, 50 रुपए किलो है काकी। अरे इतना सस्ता अचार, जबकि अभी तो कच्चे आम ही 30 रुपए किलो है, और ऊपर से तेल मसालों का खर्चा, कहीं तुम्हारे आम के अचार में कोई कमी तो नहीं, चाहो तो चक्कर देख लो काकी। जैसे ही चंदा और सांवरी सास बहू के हाथों बने आम के अचार का अनोखा स्वाद चखती हैं, तो उनकी वाहवाही करती हुई कहती है, अरे तुम्हारे आम के अचार के स्वाद ने तो दिल जीत लिया, एक काम करो मुझे 1 किलो आम का अचार तोल दो। और 2 किलो आम का अचार हमके भी देना बहुरिया, वो का है ना हमरी बहुरिया के पाँव भारी हैं, आम के अचार खाई तो मन हरिहरा जाई उका।
इसके बाद बहू दोनों सहेलियों को आम का अचार तौल कर दे देती है। थोड़ी देर में आम के अचार की खुशबू से सास बहू के ठेले को देखकर बहुत सारी औरतें भी आम का अचार देखकर खींची चली आती है, और देखते ही देखते सास बहू के सारे आम के अचार बिक जाते हैं, जिससे उन गरीब सास बहू के चेहरों पर खुशी खिल उठती है। घर आकर जब दोनों सास बहू ने पैसे गिने तो सरला ने कहा, बहू ये अचार बेचने में तो बड़ा ही फायदा है, पहले ही दिन में हमारी लागत निकल गई, अब कल से हमें और भी ज्यादा आम का अचार बनाना होगा। इस तरह दोनों सास बहू ने पूरी मेहनत झोंक कर दूसरे दिन पहले दिन से भी ज्यादा आम का अचार बनाकर उन्हें बेचने बाजार में आई, और उस दिन भी उनके सारे अचार बिक गए। हर दिन के साथ दोनों सास बहू के बनाए आम के अचार की बिक्री बढ़ती चली गई। दोनों सास बहू पूरे बाजार में अपने आम के अचार के बेहतर स्वाद के लिए छा गई, और अब उनके आम के अचार की बरनी के बरनी बिकने लगे। अरे भाग्यवान, तुम दोनों सास बहू के अचार में ऐसा भी क्या जादू है जो ग्राहक इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं? ये तो तुम खुद ही खाकर देख लो। राम नारायण जैसे ही सास बहू के बनाए स्वादिष्ट चटपटे अचार चखते हैं तो खुश मन से बोल पड़ते हैं, वाह भाई वाह, तुम दोनों सास बहू के हाथों में जादू है, जो कोई इस आम के अचार को खाए उंगलियां चाटता रह जाए। आम का अचार बेचकर सास बहू की गरीबी में गुजर रही जिंदगी अब अच्छी भली हो जाती है, मगर जैसा कि कारोबार में घाटा और मुनाफा होता है, वैसे ही धीरे धीरे ग्राहकों के बीच अब सास बहू के बनाए अचारों में उदासीनता भर गई। माँ जी, ये क्या हो रहा है, हमारे अचार अब पहले की तरह नहीं बिक रहे। बहू, अब हम सास बहू को अपने आम के अचार के स्वाद को बदलाव देना पड़ेगा। अब दोनों सास बहू के सामने ये समस्या खड़ी थी। सासू माँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पहले की तरह ग्राहक हम सास बहू के आम के अचारों के स्वाद की तरफ खींचे चले आए। क्यों ना हम अपने अचार में खड़े मसालों का इस्तेमाल करें, ये अचार की खुशबू पर बड़ा असर दिखाएगा। ठीक कह रही है बहू, और हमें आम के अचार के साथ मिक्स अचार की बरनी भी रखेंगे, जिसमें गाजर नींबू के भी अचार हो। इसी बदलाव के साथ दोनों सास बहू एक बार फिर आम का अचार बनाती है, जिससे ग्राहक फिर उनसे खूब अचार खरीदते हैं, जिससे सास बहू हर रोज खूब आमदनी कमाती, और उसे जोड़कर आखिर में वो दोनों अचार की बड़ी फैक्ट्री खोलने की सोचती हैं। माँ, संध्या, मैंने सोच लिया है, मैं आप दोनों सास बहू के आम के अचार के कारोबार में हाथ बटाऊंगा, और आप दोनों की फैक्ट्री खोलने की सोच गरीबों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे एक गरीब बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, और एक गरीब को गृहस्थी चलाने में जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो उन्हें नहीं उठानी पड़ेंगी। इसके बाद दोनों सास बहू ने आम के अचार की फैक्ट्री की शुरुआत की, जहां कई सारे गरीब को रोजगार मिला, और अचार की गुणवत्ता के कारण बड़े अचार ब्रांड ने सास बहू के नाम से कई सारी एडवर्टाइजमेंट कराई। आज रामपुर के छोटे से टुकड़ी में रहने वाली सास बहू किसी पहचान की मोहताज नहीं, साथ ही सास बहू के अचार की फैक्ट्री से आज सैकड़ों गरीब घरों का चूल्हा जलता है। महेश एक बहुत गरीब व्यक्ति था, जिसके दो बच्चे और सुषमा नाम की पत्नी थी। उसका खेत का काम ठीक से नहीं चल रहा था, वो गर्मी में भी अपने खेत में लगा रहता था। कड़कती धूप में हल चलाने के बाद वो जब अपने घर आता है तो उसके दोनों बच्चे मोंटी और पायल उसके गले लगकर कहते हैं, पापा पापा, बहुत गर्मी लग रही है, आप कुछ करो ना जिससे गर्मी खत्म हो जाए। हाँ पापा, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ पैसे दे दो ना आइसक्रीम खाने के लिए। बेटा, अभी पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा है, वो तुम्हें पैसे कैसे देंगे। मैं अपने बच्चों को इतनी परेशानी में देख नहीं सकता, पैसे होते तो अभी ठंडी ठंडी कुल्फी खिलाता इन्हें, लेकिन खेत में तो कुछ उपज ही नहीं रहा है, गर्मी का मौसम है, कैसे काम चलेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये। अजी, मैं सोच रही थी आप खेत में काम करते रहिए, साथ में मैं किसी सेठानी के घर काम ढूंढ लेती हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे, कब तक ऐसे रहेंगे। अब मेरी वजह से तुम्हें गर्मी में घर भी संभालना पड़ेगा और तुम बाहर भी काम करोगी। अजी क्या हुआ, मिल बांटकर घर चलाने में कैसी सिरदर्दी। अगले दिन बच्चे फिर से गर्मी में परेशान होकर एसी की बात करते हैं। पापा प्लीज कुछ कूलर एसी ले आओ ना, पता है किशन के घर में एसी लगा है, उसे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, आप भी लगवा लो ना, ऐसे गर्मी में खाना नहीं खाया जाता और रात को नींद भी नहीं आती मम्मी पापा। हाँ मम्मी पापा, मोंटी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज एसी लगवा लो ना आप। अच्छा कुछ समय रुको, मैं पैसों का जुगाड़ होते ही एसी लगवाने की कोशिश करूँगा। पापा जल्दी लगवा लेना, माँ गला सूख रहा है, कोई शरबत तो पिला दो। दो मिनट रुको, मैं पड़ोसन से बर्फ लेकर आती हूँ। तभी सुषमा पड़ोसन से बर्फ लेकर आती है और अपने बच्चे और पति के लिए शरबत बनाकर उन्हें पिलाती है, जिसे पीकर बच्चे खुश हो जाते हैं, और महेश कहता है, आहा
ठंडे ठंडे शरबत पीकर गले को बड़ा सुकून मिला। काश हमारे घर में मटके की जगह फ्रिज होता, पंखे की जगह एसी होता। वैसे ही इस झोपड़ पट्टी में इतना गर्मी बढ़ जाता है कि बच्चे रह ही नहीं पाते। मुझे उनके लिए एसी लाना ही होगा। अजय आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे अपने बच्चों के लिए। ये कहकर महेश फिर से खेत में हल जोतने चला जाता है, तो वहीं सुषमा काम की तलाश में जाती है, जहां उसे सेठानी के घर में नौकरी मिल जाती है और वो अगले दिन से एक काम करने लगती है। तो वहीं उसके बच्चे भी उसके साथ जाने का जिद करने लगते हैं, तो वो उन्हें सेठानी लक्ष्मी के घर में ले जाती है, जहां कुछ देर बाद उनकी बेटी टीना स्कूल से आती है और लक्ष्मी कहती है, मेरी बेटी को भूख लग रही होगी ना, ये ले ठंडी ठंडी आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खा ले, और भूख लगी तो बता दे, मैंगो शेक लेकर आऊंगी। नहीं माँ, पहले मैं ये सब खा लूं, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं आपसे मैंगो शेक मांग लूंगी। माँ बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी बढ़ा दो। ओके बेटा। जब लक्ष्मी एसी चलाकर चली जाती है तो सुषमा के दोनों बच्चे उसे देखते हैं। एसी की ठंडी हवा उन तक आती है और वो कहते हैं, अरे वाह पायल, एसी की ठंडी ठंडी हवा में कितना मजा आ रहा है ना। हाँ भैया, काश हमारे घर पर भी एसी लग जाता, हम मम्मी को बोलेंगे हमारे घर पर एसी लगाएंगी। टीना उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है, अरे कौन हो तुम दोनों और यहाँ फ्री में एसी की हवा क्यों खा रहे हो, निकलो मेरे घर से, गरीब भिखारी कहीं के। अरे हमें ऐसे मत बोलो, हम अपनी मम्मी के साथ आए हैं। चुप करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, गरीब कहीं के। क्या हो रहा है, तुम तीनों बच्चों आपस में लड़ क्यों रहे हो। अरे माँ, ये एसी की हवा खा रहे थे फ्री में, वो भी कमरे में आकर, इसलिए। नहीं आंटी, हम कमरे के अंदर नहीं गए, बस कमरे के बाहर थे। मालकिन माफ कर दीजिए बच्चों को, अब इधर की तरफ नहीं आएंगे, चलो बच्चों। ठीक है। इस तरह वक्त गुजरता है, बच्चे गर्मी से परेशान थे, वो बार बार एसी की मांग करते हैं। तभी दोनों पति पत्नी अपने बचे कुचे पैसों से एसी खरीदने जाते हैं। तो एसी वाला बोलता है, तुम इतने गरीब हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि एसी खरीदने की हैसियत भी है तुम्हारी। 40,000 की एसी है, 40,000 की। अरे साहब आप ऐसा मत बोलिए, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन 25,000 है, कुछ सस्ता एसी नहीं आ सकता है क्या। अरे भैया वो होता है ना सेकंड हैंड एसी, वो दे दीजिए हमें, वो तो इतने में आ जाएगा। इन गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर खराब एसी इन्हें ही दे देता हूँ। हाँ हाँ, सेकंड हैंड एसी इतने में आ जाएगा, पैसे दो मैं घर पर लगवा दूंगा। ये लीजिए साहब, सुषमा अब हमारे बच्चे एसी में रहेंगे, कितना खुश हो जाएंगे ना वो। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ देर बाद एसी वाला एसी लगाकर चला जाता है। जब दोनों एसी चलाते हैं तो उस एसी से गर्म हवा आने लगती है। फिर वो किसी पड़ोसी को बुलाकर एसी चलाने को कहते हैं, तो वो बताता है, अरे भाई साहब ये आपने किस धोखेबाज से एसी खरीद ली, ये तो बिल्कुल खराब है, चलने लायक ही नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। हे भगवान ये क्या हो गया, हमने तो बहुत मेहनत करके इतने पैसे इकट्ठे किए थे ताकि अपने बच्चों के लिए एसी ले पाए, और ये एसी खराब निकल गया, अब क्या होगा। ये सुनकर दोनों बच्चे रोकर जिद करने लगते हैं, हमें एसी चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें एसी चाहिए। लगता है हमें गर्मी में ही रहना पड़ेगा। बच्चों के रोने की वजह से उनके मंदिर से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि एसी में चली जाती है। तभी वो एसी जादुई ठंडी हवा देने लगती है। अरे अचानक से एसी में रोशनी कैसे आई और ये ठंडी हवा देने लग गया। ये समझ लो, भगवान ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की विनती सुन ली, इसलिए जादू से मैं जादुई एसी बन गया। अब तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, ठंडी हवा भी दूंगा। अरे वाह, ये एसी तो बोलता भी है, देखा सुषमा हमारे बच्चे कितने खुश हैं। हाँ कश्मीर जैसी ठंडी हवा आ रही है, जादुई एसी, अगर तुम जादुई हो तो हमें कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, अच्छी अच्छी चीज खाने को दे सकते हो, और मुझे नई फ्रॉक। दोनों बच्चों की बात सुन जादुई एसी उन्हें टेस्टी टेस्टी खाना और सुंदर से फ्रॉक एक जादुई रोशनी में देता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं और बच्चे खुशी से कूदने लगते हैं। अरे वाह मजा आ गया ना, देखो अब तो हम ये वाले कपड़े पहनेंगे और ये सब चीज खाएंगे, आप भी खा लो। हाँ हाँ बेटा जरूर। माँ पापा अब तो हम भी अमीर की तरह ठंडी ठंडी एसी में रहेंगे,
और अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। हाँ बेटा, जादुई एसी की वजह से वो गरीब परिवार बेहद खुश हो जाता है। रात को ठंड लगने की वजह से वो चादर ओढ़ कर सोते हैं। अगले दिन घर पर खाना बनाने के लिए ना पैसे थे, ये बात सुनकर जादुई एसी कहता है, अरे रुको, उदास मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें हर चीज दूंगा। अब तुम्हें कहीं भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने खेत में काम करो। ये बोलकर जादुई एसी बहुत सारे पैसे और रसोई का ढेर सारा राशन देता है, जिसके बाद सुषमा और महेश जादुई एसी का धन्यवाद करते हैं। फिर सुषमा राशन से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है और महेश उन पैसों को खेत में लगा देता है, जिसके कुछ दिन बाद ही उसके खेत में अच्छी फसल आती है, जिसके उसे बढ़िया दाम मिलते हैं। अब महेश के परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसके पास अब सब कुछ था। उनका रहने का घर और कपड़े सब कुछ बदल गए थे। एक सुबह दो आदमी उनके घर पर आते हैं और कहते हैं, भाई साहब, अगर आपकी कृपा होगी तो क्या आप गर्मी से बचने के लिए हमारे घर में ठंडे ठंडे पानी की मशीन लगा देंगे, और हमारी पत्नी जो है बहुत परेशान है। हाँ भाई साहब, मेरे घर पर तो बच्चे बहुत परेशान हैं। कच्चे मकान में धूप इतनी लगती है कि बच्चों को गर्मियों में गम्हौरिया हो जाती है। क्या आप मुझे कूलर के लिए पैसे दे देंगे? हमने सुना है कि आप हमारी मदद करेंगे, तो हम आ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही जगह आए हो, चिंता मत कीजिए, आपके घर फ्रिज पहुंच जाएगा और आपके घर एसी पहुंच जाएगा। किसी और को भी मदद चाहिए हो तो आप उन्हें मेरा पता बता देना। इस तरह महेश जादुई एसी की मदद से पैसे लेकर गरीब लोगों के घर फ्रिज, एसी, कूलर लगवा देता है, जिससे गरीब लोग गर्मी में एसी के अंदर मजे से रहते हैं। इस तरह उसका परिवार सभी की मदद करता था और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनिए जी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, अब हम क्या करें? कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर पानी घुस जाएगा, सारे बिस्तर और सामान गीला हो जाएगा। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, तुम बच्चों के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहने के बाद राजेश चला जाता है। वो भीगता हुआ अपने दोस्त हेमंत के घर जा पहुँचता है। हेमंत भाई, जरा दरवाजा खोल। हेमंत, अरे भाई मुझे तेरी जरूरत है, जल्दी दरवाजा खोल। हेमंत दरवाजा खोलता है, सामने राजेश बारिश में भीगा हुआ नजर आता है। अरे राजेश, तू इतना बारिश में कैसे भीग गया? क्या हुआ, क्या परेशानी है? अरे बारिश बहुत तेज हो रही है और तुझे पता है मैं झोपड़ी में रहता हूँ, पानी अंदर चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। कुछ दिन पहले ही तूने अपने मकान पूरा करवाया है, पहले तू भी झोपड़ी में रहा करता था, लेकिन तेरी झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल थी, वो त्रिपाल मुझे दे दे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे भाई तू ये कैसी बातें कर रहा है, मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने मकान बनते ही सारा झोपड़ी का सामान कूड़े के खत्ते पर फेंक दिया था। हेमंत की बात सुनते ही राजेश फौरन बारिश में भीगते हुए कूड़े के खत्ते पर पहुंच जाता है, जहां उसे वो पन्नी की त्रिपाल दिखाई देती है। वो उस पन्नी की त्रिपाल को उठाता है और अपनी झोपड़ी के पास ले आता है, जिसके बाद वो बारिश में भीगते हुए झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल को लगाता है। अरे आज की रात किसी तरह गुजर जाए, कल कोई किराए का मकान ढूंढता हूँ। पन्नी की त्रिपाल लगाने के बाद वो झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ उसकी पत्नी ललिता झोपड़ी के अंदर से पानी साफ करने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा हुआ आपने त्रिपाल लगा दी, अब झोपड़ी के अंदर पानी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी अंदर आ गया था तो मैं उसे साफ कर रही हूँ। तभी ललिता के बच्चे उससे कहते हैं, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ हमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट में दर्द भी हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो बच्चों, बारिश जैसे ही कम हो जाएगी मैं चूल्हा जलाऊंगी, उसके बाद तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ललिता बहुत देर तक बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है, लेकिन बारिश का थमना नामुमकिन था। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं, जब बारिश रुक जाती है। अच्छा हुआ बारिश रुक गई, मैं खाना बना देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा जो कि बारिश में बह गया था, वहीं लकड़ियाँ भी सारी गीली हो गई थी। इस वक्त खाना बनाना तो मुश्किल है, अब हम लोग क्या करें? हम दोनों तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखेंगे? एक काम करती हूँ, काकी के घर जाती हूँ और उनसे बचा हुआ खाना मांग लेती हूँ। ललिता काकी के घर जाकर बचा हुआ खाना ले आती है और उसे अपने बच्चों को खिला देती है। आधी रात के बाद वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही दोनों मियां बीवी कमाने के लिए एक कोयले की खदान में पहुंच जाते हैं।
मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आजी ऐसे मेहनत करूंगी तो पता नहीं शाम तक मेरी क्या हालत होगी। तभी वहां रघुवीर आ जाता है और सभी मजदूरों को बोलने लगता है, अरे ये क्या हौले हौले काम कर रहे हो, अगर इस तरह काम करोगे तो शाम तक भी काम खींच नहीं पाओगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उसकी बात सुनते ही मजदूर काम करने में लग जाते हैं। तभी ललिता की सहेली ममता चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे कोई पानी लेकर आओ, ये बेचारी बेहोश हो गई, कोई इसकी मदद करो, कोई पानी लेकर आओ, ललिता जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते ममता के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने यहाँ, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाओ, अगर कोई भी मुझे फालतू खड़ा हुआ नजर आया तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। रघुवीर के कहने पर सभी लोग ममता को बेहोशी की हालत में छोड़कर काम में लग जाते हैं, जिसके बाद रघुवीर एक गिलास में पानी लेकर आता है और ममता के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद बेचारी ममता को होश आ जाता है और वो उठ खड़ी होती है। रात को बारिश के चलते घर का चूल्हा नहीं जल पाया, इसीलिए भूखे पेट ही सुबह काम करना पड़ा साहब, मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए मिल सकता है क्या? ठीक है, उधर पेड़ के पास जाकर बैठ जाओ। ममता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तभी एक औरत उसे अपने झोले से दो सूखी रोटी और प्याज लेकर जाती है, जिसके बाद ममता वो खाकर थोड़ी देर आराम कर लेती है और फिर से काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही पूरे दिन मजदूर अपनी पूरी मेहनत करते, शाम होते होते सभी लोग लाइन में लग जाते और अपनी मेहनत के पैसे लेने लगते। एक के बाद एक सभी लोग पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी ममता की बारी आती है। अरे साहब ये क्या, ये तो मेरी पूरी दिहाड़ी का आधा हिस्सा है, इससे मेरा क्या होगा, मेरे घर पर मेरे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगी। ये सब तो तुम्हें आराम करने से पहले सोचना चाहिए था, या तो तुम यहाँ आकर आराम कर लो या फिर मेहनत करके पैसा कमा लो, अब जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का समय नहीं है। बेचारी ममता वहाँ से जा रही होती है कि तभी ललिता उसे देख कर कहती है, बहन चिंता मत करो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, एक दिन उसे हम गरीबों की मेहनत भी नजर आएगी और इन जैसे जल्लाद लोगों की लालसा और कमीनापन भी दिखाई देगा और एक दिन इसका भुगतान इन्हें भुगतना होगा। मानो उस समय ललिता की जुबान पर सरस्वती का वास हो। ऐसे ही उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते गरीबों की झोंपड़ी तक उड़ जाती है। हे भगवान हमारी झोंपड़ी तो उड़ गई, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सूरज गुनगुन यहाँ आओ मेरे पास। ललिता अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। वहीं शोभा की झोपड़ी अचानक से उड़ जाती है, जिसके चलते वो भी उसी पेड़ के नीचे अपने पति और अपने परिवार को लेकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान हम गरीबों को क्यों सता रहा है, अरे सताना है तो उन लोगों को सता जो हम जैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। शोभा इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ एक आदमी भागता हुआ आता है और गांव वालों से कहता है, अरे अपनी अपनी जान बचाओ, बांध का पानी गांव में आने वाला है, बांध टूटने वाला है, ये पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा, अरे कोई नहीं बचेगा, ऊपर पहाड़ियों की तरफ चलो अगर अपना परिवार बचाना है तो। उस आदमी की बात सुनते ही गाँव के सभी लोग अपना जरूरी सामान बांध लेते हैं और पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। देखते ही देखते एक के बाद एक सारे गरीब पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जितने भी अमीर और पक्के मकान में रहने वाले लोग थे वो अपने घरों में बेखबर सो रहे होते हैं। तभी अचानक से बांध टूट जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते अमीर और गरीब सभी के घर टूट कर तहस नहस हो जाते हैं और कई घमंडी लोग उस बाढ़ में ही डूब कर मर जाते हैं। हम गरीब लोग तो बच गए, लेकिन वो देखो रघुवीर वहाँ पानी में डूब रहा है। आखिरकार भगवान ने उसे उसकी सजा दे ही दी। सुबह तक गांव का सारा पानी खत्म हो जाता है और पूरा गांव सूख जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस अपने गांव में आते हैं और पूरे गांव की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। अब गांव की एक नई शुरुआत होनी और हम सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी। वो सभी गाँव वाले गाँव की हालत ठीक करने में जुट जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़े बक्से में खूब सारा पैसा मिलता है। हो ना हो ये रघुवीर का पैसा होगा जो उसने हमसे डबल मेहनत करवाकर इकट्ठा किया है। राजेश वो सारा पैसा गांव के सभी लोगों में बांट देता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने पैसों से अपने घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट लेकर आते हैं।
सभी गांव वाले एक दूसरे की मदद करके अपने अपने पक्के मकान बना लेते हैं और उन्हें अब अपनी जमीनें भी मिल जाती हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी करके मेहनत से पैसा कमाते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।